हेलो फ्रेंड्स, यदि आप अनमैरिड हैं और अभी यंग गर्ल हैं और आपको लग रहा है कि आपके शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकल रहा है, तो आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि कहीं आपको प्रोलैप्स तो नहीं है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगी कि क्या आपको प्रोलैप्स है या नहीं है। आप अपने आप ही जान पाएंगी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोलैप्स है, तो ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे कि जो प्रोलैप्स को डिनोट करते हैं या प्रोलैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला कि बच्चेदानी के रास्ते से यानी कि वजाइना से कुछ बाहर की तरफ नजर आना। यदि आपको ऐसा लगता है कि मांस का पीस या कुछ शरीर का हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि वो प्रोलैप्स हो। दूसरा, यदि आपको लगता है कि आपके पेल्विस के अंदर भारीपन है, यानी कि लोअर हिस्से के अंदर, लोअर एब्डोमेन में भारीपन है, पिडुक के अंदर आपको लग रहा है क्रैम्प्स आ रहे हैं या कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकलता जा रहा है, तो भी वो प्रोलैप्स हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी और भी चीजें हैं कि जो प्रोलैप्स जैसी लग सकती है, यानी कि किसी को मस्से की या बवासीर की बीमारी हो सकती है, तो वो भी आपको ऐसा लग सकता है कि प्रोलैप्स है। दूसरा, हो सकता है कि शरीर के अंदर कोई पॉलिप बन गया हो, यानी कोई मांस बढ़ गया हो। यदि बच्चेदानी के अंदर कोई भी पॉलिप बन जाता है, यानी कि कोई मांस अंदरूनी लेयर का हिस्सा बढ़ जाता है और वो बाहर निकल कर आ जाता है, तो वो भी मांस जैसा, यानी कि ऐसा लगता है कि शरीर का कोई हिस्सा बाहर आ गया। यानी कई बार ऐसा फाइब्रॉइड होता है, ट्यूमर होता है, वो भी यहाँ सर्विक्स के ऊपर यानी बच्चेदानी के मुंह के ऊपर होता है, वो भी बच्चेदानी के निचले हिस्से में इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है कि आपको लगता है कि कुछ बाहर निकले जा रहा है, तो वो भी आपको ऐसा लग सकता है कि प्रोलैप्स है। कई बार फाइब्रॉइड पॉलिप के रूप में होके बाहर तक आ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होने लग जाता है, तो वो भी एक ऐसा लगता है कि वो प्रोलैप्स जैसा हो। तो इस तरीके से कई सारी बीमारियां ऐसी होती है कि जो प्रोलैप्स को मिमिक करती है, प्रोलैप्स जैसी लगती है बट प्रोलैप्स है नहीं। तो ऐसे स्थिति में या तो आप बाथरूम के अंदर शीशे के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है क्या, जिससे कि आप एग्जामिन कर पाएंगी, या फिर एक बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, जिससे कि गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर लिटा कर नीचे के हिस्से को एग्जामिन कर सके। क्योंकि प्रोलैप्स एक ऐसा बीमारी है जिसका कि कोई सोनोग्राफी से जल्दी से डायग्नोसिस नहीं बनता है। यदि आप गायनेकोलॉजिस्ट को जाके चेकअप कराएंगी तो ही एग्जैक्टली डायग्नोसिस बनेगा, क्योंकि वो लिटा कर जब ये देख पाती है कि क्या हिस्सा बाहर निकल रहा है, क्या पेशाब की थैली नीचे आ रही है, या क्या लैट्रिन की थैली आ रही है, या यूट्रस का कोई हिस्सा नीचे आ रहा है, या यूट्रस के अंदर से कोई ट्यूमर या मांस बढ़ के बाहर आ रहा है, तो वो इन सब चीजों को एकदम से देख के एनालाइज करके आपको सही डिसीजन दे सकती है। एक बार वजाइना के अंदर ही कोई ट्यूमर होता है या कोई सिस्ट बन जाती है, वो भी बाहर की तरफ आ जाती है, या बाहर की जो स्किन होती है वहीं पे भी कोई मस्सा टाइप का कुछ बन जाता है, जो भी आपको ऐसा लग सकता है कि बाहर आ रहा है, तो वो भी प्रोलैप्स को एक्चुअल में मिमिक कर जाता है। और कई बार रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है या कोई हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स हो सकते हैं, तो वो भी आपको ऐसा लग सकता है कि प्रोलैप्स है। तो इस तरीके से बिना गायनेकोलॉजिस्ट के आप घर पर एग्जैक्टली नहीं डिसाइड कर सकती कि आपको प्रोलैप्स है या नहीं है, लेकिन इनमें से यदि आपको कोई सा भी एक लक्षण लग रहा है कि पेडू के अंदर भारीपन है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, या आपको कुछ मांस या कुछ शरीर का कोई हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा है, तो वो प्रोलैप्स हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक बार चेकअप करवा कर कंफर्म कर लीजिए कि प्रोलैप्स है या नहीं है। जनरली यंग गर्ल्स में प्रोलैप्स नहीं होता है। यदि यंग गर्ल में प्रोलैप्स है तो वो शारीरिक कमजोरी की वजह से होता है, यानी कि आपका टिश्यू काफी ज्यादा वीक होता है जो यूट्रस को होल्ड नहीं कर पा रहा और यूट्रस नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो ऐसी स्थिति में जाली लगाकर बच्चेदानी को वापस अंदर सेट कर दिया जाता है, और ये दूरबीन से आसानी से संभव है। और जब एक बार दूरबीन से जाली सेट हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग रहती है, यानी कि बार बार बच्चेदानी फिर नीचे नहीं खिसकती है। और फिक्स करने के बाद आप आराम से प्रेगनेंसी कर सकती हैं और मैरिज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और शारीरिक संबंध बनाने में भी तकलीफ नहीं होती है। एक्चुअली में यदि प्रोलैप्स है और यूट्रस बाहर है तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यदि आप इसका इलाज करा लेती हैं तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं और आगे की लाइफ आसानी से कैरी ऑन कर सकती हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई सिम्टम है तो आप हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट से आज ही बात कर सकती हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकती हैं और चैटबॉट भी अवेलेबल है जहाँ पे आप अपनी समस्याएं रख सकती हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।